अखिलेश यादव को MY फैक्टर पर भरोसा है, मायावती को DM फैक्टर पर भरोसा है, कांग्रेस BDM फैक्टर पर भरोसा है, लेकिन UP के M यानी कि मुस्लिमों का भरोसा M यानी कि मोदी पर बढ़ता जा रहा है। मोदी ने अयोध्या, मथुरा और काशी के जरिए 80% सनातनी वोटर्स का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन अब वो 20% मुस्लिम वोटर्स में भी सेंधमारी कर रहे हैं। बुलंदशहर में मुस्लिम वोटर्स 35% के आसपास, लेकिन फिर भी वहां पर 2014-19 में कमल खिला है और बुलंदशहर में मोदी की रैली में बड़ी तादाद में मुस्लिम नजर आए। इतना ही नहीं, बुलंदशहर के मुस्लिमों ने मोदी पर भरोसा भी जताया, तो सपा बसपा कांग्रेस का ये मुस्लिम वोट बैंक क्या छिटक कर मोदी के साथ जाने वाला है? तमाम सवाल खड़े होते हैं, जवाब देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी का मुस्लिम इस बार 180 डिग्री टर्न करेगा। अखिलेश, मायावती, राहुल तीनों को लगेगा झटका। मुस्लिम समझ चुके हैं कि कल्याण कहां होगा। बीजेपी ने 20% वोटर्स में बड़ी सेंधमारी कर दी है। यकीन ना हो रहा हो तो सुन लीजिए। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए भाई, राम हमारे पूर्वज हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। सबका साथ सबके विकास के साथ साथ तीन तलाक जैसा मुद्दा है, शौचालय का है और मकान निर्माण का है, प्रधानमंत्री आवास का है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ है वो मुस्लिम समाज को हुआ है, केंद्र और प्रदेश की सरकार को। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, कोई भी हो, भाई साहब मैं समझता हूँ कि ये सब मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है और वजह है कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस ने अखिलेश से 20 सीटें मांगी, लेकिन अखिलेश 10 सीटें देने को तैयार है। तो कांग्रेस का कहना है कि भले ही 10 सीटें दो, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य ही दो। लेकिन अखिलेश यादव खुद मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ना चाहते हैं, यानी अलायंस गुणा गणित में उलझा है। उधर मोदी और योगी ने प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इस रैली में पहुंचे हुए थे। मोदी जी के विकास कार्यों से हम जुड़े हैं और अपने क्षेत्रीय सांसद भोला सिंह अच्छा काम करते हैं, उनके लिए जुड़े हैं। टोपी पहन कर आए, कोई भेदभाव होता है बीजेपी में आपके साथ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता, हमें बराबर विकास जो भी चीज मिल रही है, मुसलमानों को बात ज्यादा मिल रही है। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हो गई, राम मंदिर बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ओवैसी कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को हमारे यहाँ नहीं मानते। पूरे घटनाक्रम पर हमारे बुलंदशहर में मुस्लिम वोटर्स 35% के आसपास है, लेकिन फिर भी 2014 और 2019 में यहां बीजेपी को जीत मिली। 10 साल के अंदर मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, बहुत अच्छा काम किया है, देश विकास के आगे बढ़ा। कुछ और नारे भी लग रहे हैं कि अब काशी और मथुरा की बारी है। देखिए, ये तो लोग कहते हैं, जब कोर्ट का में चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके लिए हम सम्मान करेंगे। 2019 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और काशी और मथुरा का मार्ग। यूपी में कांग्रेस वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सपा हो या बसपा, कोई भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहा। संकेत तो ऐसे भी हैं कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी भगवा लहराएगा, लेकिन कैसे? दरअसल बसपा और सपा अलग अलग है, कांग्रेस से गठबंधन अभी पक्का नहीं है। मुस्लिम वोट अखिलेश, मायावती और राहुल में बट जाएगा। मोदी और योगी सरकार की कई योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिला है। दरअसल बीजेपी राम के नाम से हिंदुओं और अपने काम से मुस्लिमों को भी साथ जोड़ रही है। बीजेपी को पूरा विश्वास है कि बीजेपी 2024 में यूपी में विरोधियों की जमानत जब्त करा देगी। पिछली बार 2014 में उन्होंने चुनाव की पहली सभा की थी मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस चुनाव सभा में कोई काम ऐसा नहीं कहा गया कि कोई ये कहे कि चुनाव का बिगुल बजा। उन्होंने खुद भी ये कहा है, बोले मेरे चुनाव का बिगुल तो जनता बजाएगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूंगा कि 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी और देश में 400 पार करके हम दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। यूपी में 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 30 से 50% हैं।
तो 7 जिलों में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 41%। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाएं भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बुलंदशहर की रैली में महिलाएं मोदी के कटआउट लेकर पहुंची थी। घर में लगाएंगे मोदी की तस्वीर को। हाँ। क्या करेंगे लगा के अपना राम बाप भैया बनाएंगे। हम इनकी सेवा करेंगे, इनके भैया बनाएंगे, भैया हमारे। राखी बांधेंगे। हाँ, राखी बांधेंगे। आपने उठाया, आप कुछ बोली नहीं रही। हम भी यही करेंगे और क्या करेंगे। क्या करना है मोदी जी की तस्वीर के लिए? भैया बनाएंगे। देश की हमारी जनता आई, हमारे भगवान आए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए आए हैं ना जी। तो हमें सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। पहले नहीं सुरक्षा थी क्या? पहले नहीं। अबे किसकी सरकार में नहीं थी? कांग्रेस की भी नहीं, अखिलेश की भी नहीं, किसी की भी नहीं। मुसलमान सपा बसपा और कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और मोदी के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है मोदी और योगी की वो योजनाएं जिनका बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम दोनों को लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम वर्ग बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी के प्रति खिंचता चला जा रहा है और यही वजह है कि मायावती और अखिलेश दोनों ही टेंशन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।